हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम को देखते हुए मैं यहाँ पर निबंध का टॉपिक लेके आ रहा हूँ। ये मेरा तीसरा निबंध है। इससे पहले दो निबंध देख चुका हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी जुड़ रहे हैं और मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे, सीजीपीएससी मेन्स 2024 वाला जो प्ले लिस्ट दबाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और निबंध पर हम लोग चलते हैं, जो बस्तर का दशहरा। क्योंकि आपके जो निबंध में अक्सर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विशेष करके बस्तर की संस्कृति से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। हर साल आप देखोगे, तैयारी करना होगा, निबंध का तैयारी करना होगा, एक टॉपिक तो है ही है, 750 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना पड़ता है। तो आपको तैयारी करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है करंट पर उठाता है। जितने निबंध होते हैं जो करंट होते हैं या छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर ज्यादा उठाए जाते हैं, पिछले 4-5 साल से आप निबंध का अगर देखेंगे तो ऐसा ही कुछ मेरे को पैटर्न मिल रहा है। उसी को देखते हुए चलो हम लोग यहां पर देखते हैं बस्तर का दशहरा। छोटा सा एक भूमिका आपको बांधनी होगी बस्तर का दशहरा के लिए। तो जैसे मैंने बांधा है उसी प्रकार आपको बांधना। बस्तर का दशहरा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण भारत की प्रसिद्धि प्राप्त है। यह उत्सव न केवल बस्तर की आदिवासी सांस्कृतिक परिचायक वरन विविध समाजों से सामाजिक एकता का भी परिचायक है। यह प्रदेश का अनूठा महापर्व है जो असत्य और सत्य के विजय का प्रतीक है। किंतु यह पर्व रावण के संहार से संबंधित नहीं अपितु बस्तर के दंतेश्वरी देवी सहित अनेक देवी देवताओं को समर्पित है। बस्तर का दशहरा 75 दिनों तक चलने वाला पर्व है। लगता है बस्तर का दशहरा दशहरा संबंधित, इसको दशहरा से कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि आप लोग मेंस में अगर जा रहे हो, मेंस का परीक्षा दे रहे हो, तो इतना सा बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, तभी आप प्री पास कर रहे हैं, वरना आप प्री ही नहीं पास कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हमको इतिहास लिखना होगा, भाई ये कब से स्टार्ट है, कैसे स्टार्ट, तो थोड़ा सा इतिहास आपको बताना जरूरी है। तो इतिहास अगर देखा जाए तो इस पर्व की शुरुआत चालुक्य वंशी शासक राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। जब उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी तो उस समय पुरी के राजा ने उन्हें रथपति की उपाधि एवं 16 चक्रों का रथ प्रदान किया था। राजा ने 16 चक्रों के रथ का विभाजन कर दिया एवं दो प्रथम पृथक परंपरा बस्तर दशहरा व गोंचा पर्व की शुरुआत की। तो यहाँ पर एक प्री के लिए भी क्वेश्चन बनता है, गोंचा पर्व की शुरुआत कहां से उठती है, तो बस्तर के दशहरा से ही उठती है। और बस्तर का दशहरा दो भागों में बांटा गया। बस्तर का दशहरा व गोंचा पर्व की शुरुआत उन्होंने की थी। मंदोता ग्राम में पहली बार दशहरा रथ यात्रा 1411 से 12 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुई थी। 12 चक्कों के रथ संचालन में असुविधा होने के कारण 8वें शासक राजा वीर सिंह ने संबत 1610 के पश्चात 8 पहियों का विजय रथ और 4 पहियों का फूल रथ प्रयोग में लाया। तब से लेकर यह परंपरा आज तक चली आ रही है। बस्तर दशहरा में प्रतिवर्ष क्रमशः एक नया रथ निर्माण किया जाता है। तो छोटा सा इतिहास लेकर हमको चलना है। इसके बाद अगर रथ यात्रा के विभिन्न कार्यक्रम को आपको वर्णन करना है तो टोटल 17 कार्यक्रम होते हैं। इसमें 17 कार्यक्रम को अगर रट लेते हो आप तो आपको आसान हो जाएगा, फिर केवल इसी के बस रटना है। पहला पाठ यात्रा, दूसरा डेरी गड़ाई पूजा विधान, तीसरा काचिन गादी पूजा, चौथा रैला देवी पूजा, पांचवा कलश स्थापना, छठवां जोगी बिठाई, सातवां फूल रथ परिक्रमा, आठवां महाअष्टमी पूजा विधान, नौवां निशा यात्रा, दसवां कुमारी पूजा विधान, फिर जोगी उठाई होता है, फिर मावली पर घाव होता है, फिर भीतर रहना, बाहर रहना, रैनी और मुड़िया दरबार, कुटुंब यात्रा और दंतेश्वरी एवं मालवी जी की विदाई। केवल आपको इतने ही चीज को याद करना है, फिर लाइन बार आप याद कर समझ सकोगे और लाइन बार आप क्या कर सकोगे, बना सकोगे। याद करने का एक सिंपल सा देखोगे तो देखो इसमें जो होता है यात्रा, जो शब्द है यहां पर लिखा पाठ यात्रा, ये 3 बार आया है। एक में आएगा पाठ यात्रा, देखो ध्यान दोगे पाठ यात्रा, जस्ट 9वें में आ जाएगा निशा यात्रा, और एक और अंतिम आएगा कुटुंब यात्रा। तो पाठ, निशा और आपको ऐसे याद कर लेना, याद भी करवा दे। पाठ यात्रा जैसे मैंने पहले याद किया पाठ यात्रा, तो पाठ यात्रा, पाठ के बाद निशा, निशा मैंने रात्रि होता है तो याद रखना एक रात्रि आएगा निशा यात्रा, और एक और यात्रा होगा जो लास्ट में आता है कुटुंब यात्रा, कुटुंब परिवार होता है यात्रा। तो 3 यात्रा याद हो जाएंगी आपको। इसके बाद आप इसी में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर जोगी बिठाई दो, एक बार जोगी बिठा रहे हैं तो एक बार जोगी उठा रहे हैं, तो दो चीज ऐसा हो जाएगा।
जोगी बिठाई छह में है तो ग्यारहवें में जोगी उठाई है, तो जोगी बिठाई और जोगी उठाई दो चीज हो जाएगा, एक भीतर रहनी है तो एक बाहर रहनी, भीतर रहनी और बाहर रहनी यहां पर। लास्ट में एक मुड़िया दरबार पर भी क्वेश्चन बन सकता है, मुड़िया दरबार यहां पर, और लास्ट में एक और है दंतेश्वरी मालवीय जी की विदाई, तो मालवीय जी की विदाई आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का याद होगा। तो हम फिर से देख लेते हैं एक बार, पाठ यात्रा स्टार्ट होता है तो पूजा के तीन विधि यहां पर करेंगे, पाठ यात्रा माने यात्रा में हम जा रहे, यात्रा में तीन पूजा करेंगे, पूजा पूजा पूजा, डेरी गड़ाई पूजा, काछिन गादी पूजा और रैला देवी पूजा, ये तीन पूजा आएगा। पूजा करने के लिए हमको कलश स्थापना करना पड़ता है, तो फिर हम उठाएंगे कलश स्थापना, और कलश के लिए जोगी को बिठाएंगे तो जोगी बिठाई, तो यहां तक मैं आप देखेंगे दिमाग में बैठाना कि हम यात्रा करने जा रहे हैं किसके लिए, पूजा करने को तीन बार हमको पूजा करना है, एक देड़ी गड़ाई पूजा, काछिन गादी पूजा और रैला देवी पूजा। पूजा करने के लिए हमको कलश की स्थापना करने पे, तो कलश बैठाएंगे, कलश स्थापना करने के लिए हमको कोई ना कोई जोगी वहां बैठाना पड़ेगा, मैंने पुरोहित को लाना पड़ेगा, ऐसे करके देखना कलश बैठाएं, और कलश के लिए फूल चाहिए और फूल परिक्रमा, तो ये इस प्रकार का भी याद करोगे तो लाइन पर आपको याद होता जाएगा। अगला स्टेप आएगा फूल परिक्रमा के बाद महाअष्टमी पूजा विधान होगा, फिर नौमा में याद रखें, फिर निशा यात्रा आ जाएगा, निशा यात्रा रात्रि रात्रिकालीन यात्रा ऐसे याद करोगे, फिर कुमारी पूजा विधान, फिर जोगी को उठाना पड़ेगा, जोगी उठाओ, फिर मावली पर घाव, भीतरी रहना बाहरी रहना, इसी के बाद आता मुड़िया दरबार, फिर कुटुंब यात्रा लास्ट आ जाता, लास्ट में दंतेश्वरी एवं मावली जी की विदाई। तो 17 स्टेप है जिस पर पूरा दशहरा का पर्व यहाँ पर मनाया जाता है 75 दिन तक। अब एक एक चीज को समझ जाओगे तो अपने से बन जाएगा, केवल वो 17 जो पॉइंट को अगर आप याद कर लिए, 17 17 नहीं तो कुछ पॉइंट छूट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब धीरे धीरे याद करते जाओगे तो ऑटोमेटिक लाइन बार से आप लिख सकोगे। पाठ यात्रा होता क्या है, तो शुरुआत यहीं से होती है, 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा महापर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या से होती है, तो यह याद रखना कि हरेली अमावस्या शुरू होती है। अमावस्या के दिन नवीन रथ निर्माण के लिए लकड़ी के एक बड़ा टुकड़ा टुरलू खटोला बोलते हैं लाकर दंतेश्वरी माई मंदिर के सामने रखा जाता है, और रथ निर्माण में लगने वाले औजार के साथ पूजा अर्चना की जाती है जिसे पाठ यात्रा कहते हैं। 3-4 दिन यहां पर स्टार्ट होती है हरेली अमावस्या से, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा जिसको बोलते हैं टुरलू खटोला, ये याद रखना, दंतेश्वरी माई मंदिर के सामने रखा जाता है, बस खत्म। फिर दूसरा आएगा कि डेरी गड़ाई पूजा विधान, दूसरी जो पूजा विधान होती है वो डेरी गड़ाई पूजा विधान होती है, दूसरी रस्म को डेरी गड़ाई पूजा कहते हैं। इसमें साल प्रजाति के दो शाखा युक्त डेरी को सिराहा सार भवन में स्थापित की जाती है, यही निर्मित दो गड्ढों में जीवित मोंगरी मछली छोड़ी जाती है। डेरी गड़ाई अर्थात स्तंभ आरोहण के पश्चात रथ निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती। मैंने सबसे पहले डेरी, जैसे आपने होली हवी होलिका दहन हुआ था उसमें एक लकड़ी गाड़ा जाता है, उसी प्रकार यहां पर भी रथ यात्रा के लिए एक डेरी गड़ाई करते हैं, तो सब जब तक डेरी गड़ाई नहीं करोगे रथ निर्माण नहीं होगा। डेरी गड़ाई गड्ढा खोदते हैं, डेरी गड़ाई करते हैं, डेरी गड़ाई अर्थात स्तंभ आरोहण के पश्चात रथ निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। रथ निर्माण साल धामन या 300 प्रजाति के लकड़ी का प्रयोग होता है। अब इससे पहले अपन एक और जब रथ निर्माण होगा, इससे पहले एक फिर होगा काछिन गादी पूजा। काछिन गादी का अर्थ होता है काछिन देवी को आसन प्रदान करना। बस्तर अंचल में काछिन देवी रण की देवी कहलाती है, रण माने आपका युद्ध। कांटेदार झूले पर आसीन होकर काछिन देवी बस्तर दशहरा के निर्विघ्न आयोजन हेतु स्वीकृति और आशीर्वाद प्रदान करती है। अश्वनी अमावस्या के दिन काछिन देवी से स्वीकृति मिलने के पश्चात बस्तर का दशहरा पर्व धूमधाम से प्रारंभ हो जाता है। तो हमने यहां पर देड़ी गड़ाई पर काछिन गादी पूजा हुआ, एक पूजा और होगा उसमें आएगा रैला देवी। रैला देवी जो पूजा है यहां पर अश्वनी अमावस्या की रात्रि में काछिन देवी पूजा के बाद संध्या के समय रैला देवी की पूजा के लिए मिर्गान जाति के पुजारी तथा इस जाति की महिलाएं एकत्रित होती है। ग्राम तेली मरिंगा के मिर्गान कुमारी कन्या इस परंपरा का निर्वहन करती है। रैला देवी से पर्व निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की जाती है। थोड़ा सा एक स्टोरी बता देता हूं रैला देवी के संबंध में। कहा जाता है कि जो चालुक्यवंशी शासक थे वहीं में इसकी रैला नामक कोई बहन थी। इस बहन को जब ये आए मुगल आए
और ये मुस्लिम लोग जब आक्रांता आए तो इसको उठा कर लेके चले गए थे, बाद में इसको छोड़ दिया गया। जब वो वापस आई तो राजा ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया, जिससे वो रुष्ट हुई और इसने किसी सरोवर में जाके सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। उसी के लिए एरैला देवी पूजा स्थापित किया जाता है। तो ये भी एक छोटा सी स्टोरी मिलता है, इतना तो लिखने का आपको मिलेगा नहीं, ये सब चीजें बस थोड़ा सा जान लो कि एरैला देवी है क्या चीज, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एरैला देवी की परंपरा चलती है। इसके बाद एरैला देवी पूजा के बाद आता है कलश स्थापना। तो अश्वनी शुक्ल पक्ष की प्रथम अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी के मंदिर में ज्योति कलश स्थापित की जाती है। बस इतना याद करो, अगर ये याद नहीं हो रहा अश्वनी शुक्ल पक्ष तो इतना याद रख लो कि मां दंतेश्वरी देवी के समय कलश स्थापित की जाती है। कलश स्थापना के बाद ही बैठेंगे जोगी बिठाई। जोगी में एक साधु या एक व्यक्ति को बैठाया जाता है। अश्वनी शुक्ल पक्ष प्रथमा को ही सिरहासार में जोगी बिठाई की रस्म अदा की जाती है। एक गड्ढे में बड़े आमाबाल गांव का हलवा जाति का एक व्यक्ति लगातार 9 दिन तक योगासन की मुद्रा में पर्व निर्विघ्न संपन्न हो इस कामना के साथ उपवास पर बैठता है। तो उपवास पर बैठने के बाद इसके बाद स्टार्ट होता है फूल रथ परिक्रमा। परंपरा के अनुसार अश्वनी शुक्ल पक्ष द्विति से लेकर सप्तमी तिथि तक चलने वाले फूल रथ की परिक्रमा का चरण आरंभ हो जाता है। इन तिथियों में प्रतिदिन रथ परिक्रमा होती है। रथ परिक्रमा निर्विघ्न संपन्न हो इस आशय को लेकर राउरीन तथा पनारा समाज की महिलाओं द्वारा नजर उतारी जाती है। इसके बाद की घटनाएं होती है जो है महाअष्टमी पूजा विधान होती है। नवरात्र की अष्टमी तिथि के यज्ञ अनुष्ठान के साथ महागौरी पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद मैंने कहा था तीन यात्रा, तो फिर महाअष्टमी के बाद ही आ जाएगा निशा यात्रा। निशा यात्रा बस्तर दशहरा में रस्तों में अष्टमी तिथि तथा नवमी तिथि के रथ परिक्रमा नहीं होती। अष्टमी की आधी रात माई जी की डोली को लेकर बाजे गाजे के साथ पुजारी राजगुरु व अन्य भक्त निशा यात्रा मंदिर पहुंचते हैं। इस मंदिर में खमेश्वरी देवी का वास माना जाता है। यह मंदिर वर्ष में एक बार खुलता है। निशा यात्रा रस्म पर 12 बकरों की बलि दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रात्रि से स्टार्ट हो जाएगा, रात्रि के समय निकाला जाता है, तो आपको आसानी से ये याद होगा। फिर कुमारी पूजा विधान का भी है। कुमारी बच्चे लोगों का पूजा किया जाता है। महानवमी पूजन की कुमारी पूजा के अंतर्गत 9 कुमारी कन्याओं एवं एक बालक की पूजा की जाती है। कुमारी पूजा के बाद ही आता है जोगी उठाई। जो जोगी अभी बैठा हुआ था 9 दिन के उपवास पर, अब उसका उठने की बारी है। तो 9 दिनों तक योग की अवस्था में बैठा योगी पूजा विधान के बाद निर्धारित स्थान से उठाया जाता है तथा पर्व के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए समस्त देवी देवताओं का आभार प्रदर्शित करते हुए जोगी उपवास तोड़ता है। इसके बाद आता है मावली परघाव। बस याद रखना, जोगी उठने के बाद ही मावली परघाव का रस्म पूरा किया जाएगा। ये होता क्या चीज है, तो दंतेवाड़ा से मावली देवी डोली जगदलपुर आती है। मावली देवी के स्वागत को ही मावली परघाव कहा जाता है। दशहरा के समस्त कार्यक्रम में मावली परघाव का आकर्षण अत्यधिक प्रदर्शित होता है। इसके बाद 2 रैनी आएगा, भीतर रैनी और 1 बाहर रैनी, इसको आपको लिखना होगा। तो भीतर रैनी क्या है, विजयदशमी पर 8 पहियों वाला विशाल काय विजय रथ मावली मंदिर के परिक्रमा करता है। जो परिक्रमा करता है उसी को भीतर रैनी कहते हैं। विजय पर्व का चलायमान होने कारण विजय रथ अथवा भीतर रैनी रथ कहा गया है। ये खींचने के लिए कोड़ेनार किलेपाल परगना के आदिवासियों का विशेष अधिकार होता है। रथ की परिक्रमा पूर्ण हो जाने के बाद प्रथा अनुसार इसे देर रात चोरी करके कुष्टा कोट नामक स्थान पर छुपा दिया जाता है। इसके बाद बाहर रैनी का आता है। दशहरे के दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन राज परिवार और बस्तर की जनता अपने अपने देवी देवताओं के साथ कुंडा कोट पहुंचते हैं और राजा अपनी कुल देवी का नया अन्न अर्पित करते हुए जनता के साथ नवाखानी पर्व संपन्न करता है। तत्पश्चात मुख्य मार्गों से होता हुआ विजय रथ राजमहल के सिंह द्वार पास पहुंचता है। माने जब बाहर ये रथ निकलेगा, सड़कों पर निकलेगा, तो बाहर रैनी हो जाएगा। मंदिर के परिक्रमा कर रहा है तो भीतर रैनी हो जा रहा है, बस इतना याद रखना है। इसके बाद आता मुड़िया दरबार, जो इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है। मुड़िया दरबार पर भी आपका एक निबंध बन सकता है डिटेल में। तो इस पर मुड़िया दरबार लास्ट में आ जाता है, लास्ट कुटुंब यात्रा होगा। तो मुड़िया दरबार का प्रारंभ 8 मार्च 1876 को पहली बार हुआ था।
द्वादशी के दिन मुड़िया दरबार में ग्रामीण और शहरी जनप्रतिनिधियों के बीच आवश्यक विषयों के लेकर चर्चा होती है। रियासत काल से बस्तर के मांझी, मुखिया, कोटवार, चालकी, नाइक, पाइक आदि जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की समस्या दरबार में प्रस्तुत करते हैं। यह परंपरा आज भी निर्बाध रूप से जारी, आज मंत्रीगण बैठते हैं और आज भी जारी होता है ये परंपरा। अभी 26 जनवरी के दिन ये मुड़िया दरबार को ही प्रदर्शित किया गया था झांकी में हमारे छत्तीसगढ़ तरफ से, तो ये परंपरा आज भी जारी है। बशर्ते राजा महाराजा तो नाम मात्र के ही जो चला आ रहा परंपरा में बैठते हैं, बाकी तो राजा महाराजा तो रह नहीं गए, लेकिन जो उनके वंशज है उनको बैठा भी दिया जाता है, लेकिन विशेष करके हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक विधायक है जरूर बैठते हैं और सुनते हैं। फिर लास्ट में कुटुंब यात्रा इंपॉर्टेंट है, कुटुंब यात्रा को आपको देखना। मैंने कहा तीन यात्रा, एक आएगा कुटुंब यात्रा। तो अश्वनी शुक्ला त्रयोदशी के दिन दशहरे में शामिल होने आए विभिन्न स्थानों के देवी देवताओं को कुटुंब यात्रा पूजा विधान के बाद विदाई दी जाती है। इस दौरान ग्राम देवी देवताओं को विदाई देते हुए उनके पुजारियों को नवीन वस्त्र भेंट देकर सम्मानित किया जाता है। यह पूरा लगभग लगभग खत्म है और लास्ट में आएगा दंतेश्वरी एवं मवाली जी की विदाई। यहाँ से हमारा पूरा दशहरा कंप्लीट होता है। दंतेश्वरी माई और मवाली माई की विदाई पूजा विधान के अंतिम रस्म को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है। एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में माई की विदाई की जाती है। माई जी के सम्मान में पुलिस बैंड के ध्वनि के बीच सशस्त्र बल के द्वारा सलामी दी जाती है। ये पूरा बस्तर दशहरा कंप्लीट। थोड़ा सा आप निष्कर्ष लिख सकते हो तो लिख सकते हो, निष्कर्ष में सामाजिक समरसता और सहकारिता का उदाहरण बस्तर का दशहरा माना जाता है। विगत 610 वर्षों से शांति एवं सौहार्द से मनाया जा रहा दशहरा न केवल बस्तर अपितु छत्तीसगढ़ की सांस्कृति पहचान के सबसे बड़ा उत्सव है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।